hello everyone welcome to sacred gurukul in this video we are going to discuss about complete interview guidance program of ae 01 2020 first of all congrats all of you those who got qualify in ae 01 2020 and those who didn't get qualify better luck next time so in this video we are going to discuss about the complete प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कह सकते हो आप या इंटरव्यू गाइडेंस कह सकते हो टोटली डिपेंड अपॉन यू क्योंकि यहाँ पे जो हम बात करेंगे पूरे के पूरे कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कहाँ पे होगा कैसे होगा क्यों जरूरी है और ये कब होगा ठीक है तो ये सारे के सारे चीजें एक एक पॉइंट हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ध्यान से देखिएगा इस वीडियो में कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक के बारे में बताऊंगा वो भी आपको ध्यान से सुनना है कि कौन-कौन से लिंक आपको अवेलेबल हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीजीपीएससी एई के बारे में तो इसमें अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए मोर देन 40 क्लासेस इज अवेलेबल कितना 40 प्लस क्लासेस अवेलेबल टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए दैट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट कुछ सब्जेक्ट का तीन क्लासेस भी है किसी के चार क्लासेस भी मतलब आवर आवर किसी के दो घंटे के भी सब्जेक्ट है, है, है।, तो है पहली चीज दूसरा जो आपका मॉक इंटरव्यू होगा वो आपके लिए दो मॉक इंटरव्यू होगा दो मॉक इंटरव्यू अभी फिलहाल के लिए दोनों के दोनों ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू है इफ पॉसिबल अगर कोविड का सिचुएशन थोड़ा सा स्टेबल रहा तो we will go one and one तब होगा जब आपके एग्जाम्स के इंटरव्यू uh, के डेट जो है ना आ जाएंगे इस पर्टिकुलर उससे पहले आपका इंटरव्यू होगा तो वन ऑफलाइन एंड वन ऑनलाइन व्हेन सिचुएशन विल बी कंट्रोल अदरवाइज दोनों के दोनों ऑनलाइन होंगे आपके गॉट इट दूसरा कंड तीसरा क्या है कि फाइव रिकॉर्डेड टेक्निकल इंटरव्यू फाइव रिकॉर्डेड टेक्निकल इंटरव्यू का मतलब कि उन बच्चों का सिविल इंजीनियरिंग से जिनका टेक्निकल इंटरव्यू हो चुका है जिनके अच्छे रैंक हैं वो लोगों का हम आपको पांच इंटरव्यू आपको प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि आपको एक क्या फायदा होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न पता चले किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यू का रिकॉर्डेड सेशन अगर आप देखते हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलता है आपके अपने इंटरव्यू के टाइम पे कि उन लोगों ने जो जो गलतियां किया है वो गलती आप नहीं करोगे उन सब चीजों को सुधारोगे तो वो आपको रिकॉर्डेड सेशन से भी आपको वहां पे बेनिफिट मिलेंगे तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरव्यू गाइडेंस इसके अलावा इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ चीजें का लिंक है जैसे कि अभी आगे बताते हैं गूगल फॉर्म का लिंक सबसे इंपॉर्टेंट है जो जो लोगों ने क्वालिफाई किया गूगल फॉर्म का लिंक भर दीजिएगा दिस वेरी इंपॉर्टेंट तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है इंटरव्यू में अगर आप इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं तो किन किन बातों सबसे पहले जब आप एंटर करते हैं ना वहां जो जैसे कि सीजीपीएससी ऑफिस है वहां से एंटर करते हैं ना वहीं से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है तो वहां पे किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है क्या आपको ड्रेसिंग रखने हैं कैसे आपको बात करना फाइल कहां पे रखना है आपके मतलब हर चीज को एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप वहां पे फॉलो किया जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर चीज बताया जाएगा उससे पहले जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तब आपको जाया जाता है फिजिकल अपेयरेंस के लिए ठीक है तो फिजिकल अपेयरेंस का एक कंप्लीट वीडियो है कि आपको कैसे वहां पे रिप्रेजेंट होना है कैसे वहां पे ग्रीट करना है क्या पहन के जाना है मतलब किस तरीके से बैठना हर चीज के बारे में फिजिकल अपेयरेंस के बारे में बता रखा है दूसरा होता है बेसिक क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन देखो इंटरव्यूअर के द्वारा कुछ वैसे बेसिक सवाल होते हैं जो मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं टेक्निकल क्वेश्चन क्वेश्चन कि कुछ बेसिक सवाल होते हैं जो जनरली है, पूछे जाते हैं देखो मैं वीडियो का लंबा नहीं करना चाहता इसीलिए मैं हर चीज का लिंक दिया हो डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाके फॉलोअप कर लीजिएगा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या कहलाता है कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप कैसे अपने इंटरव्यू को प्रिपेयर करोगे इंटरव्यू में हाउ वाई जो पूछ रहा था वही है कि देखो प्रिपरेशन प्रिपरेशन करने के लिए ऐसा है कि आपको टेक्निकली पूरा का पूरा कंप्लीटली फोकस होना पड़ेगा उसके अलावा बाहर की चीजों को भी बारे में जानना पड़ेगा जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में जानना पड़ेगा कि जो आपका लोकल जो प्लेस है जहाँ से बर्थ प्लेस है जहाँ रहते हैं वहाँ के बारे में जाना वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें भी ध्यान में रखना लिस्ट ऑफ द पैनल की बात करें तो लिस्ट ऑफ़ द पैनल वी ऑलरेडी डिस्कस इन द एक और वीडियो में डिस्कस कर रखा है सो जस्ट गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहां पे तीनों चीज एक साथ मिल जाएंगे एक दो और एक तीनों चीज एक साथ मिल जाएंगे ठीक है के के लिए वही है कि आपको पूरे के पूरे स्ट्रांग होना पड़ेगा क्योंकि दे नॉन गॉट इट तो सबसे ज्यादा पार्ट आपको अगर टेक्निकल से पूछा जाता है टेक्निकल में भी ऐसा नहीं है कि दे आर गोइंग टू आस्क द डिटेल क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क द बेसिक क्वेश्चन लेकिन बेसिक वो किस सब्जेक्ट से पूछेंगे किसी को नहीं पता सो जस्ट so, लिसन केयरफुली कि आपको जो प्रिपेयर करना है बेसिक बेसिक चीजों को पढ़ना बेसिक फॉर्मूला देखना बेसिक टर्म्स देखने बेसिक कंसेप्ट देखने अगर वो सब चीजें में आप क्लियर रहते हैं टेक्निकल में तो फिर कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज इन योर इंटरव्यू यू मस्ट गेट मोर देन सिक्सटी प्लस मार्क्स अगर आप साठ नंबर से ज्यादा लेके आते हो सिक्सटी सेवेंटी सेवेंटी फाइव एटी तक लेके आते हो तो आपके लिए वो अच्छा इंटरव्यू हो जाएगा कहने का मतलब है अगर 80 तक आता तो तो बेस्ट है लेकिन 60 प्लस आपको ला, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि कम से कम 60 नंबर से ज्यादा लेके आना 60 प्लस मार्क्स लेके आने तभी आपका जो भी आपका इंटरव्यू है वो क्लियर हो पाया क्योंकि आपको भी पता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है वो सारी चीज आपको क्लियर है तो बाकी ना बाकी बच्चों का तो फिर छटना है ना तो इसलिए आप अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि यू जस्ट गॉट More than 60 plus. 60 plus लाने के बाद आप सेफ पे हो उससे ज्यादा ले आओ तो आपके लिए रैंक में बेनिफिट होगा तो दिस इज ऑल अबाउट थे पैनल की लिस्ट की बात करें तो पैनल का लिस्ट आपको मैं एक वीडियो का लिंक दे देता हूं एक स्टूडेंट का लाइव है उसका आपको पता चल जाएगा कि पैनल में कौन कौन है कुछ रिटायर्ड डायरेक्टर हैं कुछ आई के प्रोफेसर हैं कुछ आपको सी पी के वर्किंग फैकल्टी हैं ये सारे के सारे लोग पैनल में हैं लिस्ट ऑफ द पैनल की बात कर रहे हैं तो दीज आर थिंग फॉर द इंटरव्यू गाइडेंस जो कि आपके लिए बहुत 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 जरूरी है तो मस्ट ज्वाइन द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जिसका रजिस्ट्रेशन जो है वो एक छ दो हजार इक्कीस से स्टार्ट हो रहा है यानी कि फर्स्ट ऑफ जून से स्टार्ट हो रहा है मॉक इंटरव्यू के लिए तो मॉक इंटरव्यू में आपको और भी चीजें मैं बता देता हूं अभी ध्यान से सुनते जाइए कुछ लिंक हैं जैसे कि टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैन चैनल गूगल फॉर्म का लिंक वो भी गूगल फॉर्म आपको भरना है उसके बाद कुछ अलग अलग सब्जेक्ट के जैसे कि मान लिया कि कुछ आर के कुछ स्टील के मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देता हूँ कि दिस इज द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर एग्जामिनेशन या फिर सॉयल हो गया कुछ सब्जेक्ट्स के नाम बताता हूँ दिज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू जैसे कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपको अच्छे से देखना है आप मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग देखना है इन्वायमेंटल इंजीनियरिंग देखना है ओपन चैनल फ्लो देखना है आपको हाइड्रोलॉजी देखना है हाईवे इंजीनियरिंग देखना है उसके बाद इरिगेशन इंजीनियरिंग देखना है तो ये सब सब्जेक्ट के जो बेसिक बेसिक टर्म्स है ना बेसिक बेसिक पैरामीटर्स देखना हाईवे इंजीनियरिंग शायद बोल दिया तो हाईवे भी देखना तो कुछ सब्जेक्ट के मैं लिंक दे देता हूँ यहाँ पे चार पांच सब्जेक्ट के बाकी के जो सब्जेक्ट है वो सेक्रेट गुरुकुल डॉट कॉम पे जाएंगे सेक्रेट गुरुकुल डॉट कॉम पर जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर लेना सी जी पी एस सी ए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में सी जी पी एस सी खुलेगा सी जी पी एस सी के बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आएगा वहाँ पर आपको इनरॉल करना है एंड नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ वहाँ पर सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको जो भी प्रीवियसली जो पाँच बच्चों का मैंने बोल प्रॉमिस किया है कि उनका इंटरव्यू का मैं आपको रिकॉर्ड सेशन दूंगा वो भी मिल जाएंगे आपको आपके खुद के इंटरव्यू के जो प्रोग्राम होंगे वो सारे चीजें मिल जाएंगी तो इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है ये चीजें मैंने बता दिया लेकिन अभी एक नया आपके लिए ऑफर है फर्स्ट ट्वेंटी कैंडिडेट्स के लिए फॉर फर्स्ट ट्वेंटी कैंडिडेट वी आर गोइंग टू डिस्काउंट फॉर द फिफ्टी परसेंट तो फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट के लिए जस्ट अप्लाई एक कूपन फर्स्ट फिफ्टी जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पे फर्स्ट फिफ्टी का एक कूपन आएगा वो आप अप्लाई कर दीजिएगा एंड यू विल गेट रजिस्टर्ड तो इसका जो प्राइस है वो एक्चुअली टू ट्रिपल लाइन है लेकिन इसको हमने कार्ट के हटा दिया है वो दैट इज ओनली फिफ्टीन हंड्रेड ओनली एंड ओनली फिफ्टीन हंड्रेड अमाउंट आएगा सो नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि सिर्फ ट्वेंटी कैंडिडेट्स के लिए इसके बाद बीस के बाद इस सबका प्राइस जो होगा वो टू ट्रिपल लाइन ही होगा सो प्लीज फॉरवर्ड दिस वीडियो दोज हुट क्वालिफाई इन जीरो वन ट्वेंटी ट्वेंटी क्योंकि उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन है इंपॉर्टेंट मॉक इंटरव्यू बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप मॉक में प्रैक्टिस नहीं करते हो मॉक में अगर दो मॉक क्यों रखा गया अब आपके सामने दिमाग में आ रहा है कि दो मॉक क्यों पहले मॉक इसलिए रखा हमने कि अगर पहले मॉक में जो चीजें आप गलती करते हो वैसे चांसेस कम रहेगा कि पांच वीडियो देखने के बाद आप गलती नहीं करोगे लेकिन अगर उसमें भी गलती करते हो तो उसके बाद हम हर पॉइंट को नोट डाउन करके बताते हैं कि ये आपका प्रॉब्लम है ये आपको

ये दोनों के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो बेटर है कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट कर लीजिए और एक जो पेड बच्चों का होता है वहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप है उनका तो वो चीज़ें आप ज्वाइन कर लीजिएगा उनको ऑलरेडी ये ग्रुप बन रहा है चल रहा है तो बस ये चीज़ें सबको बताने के लिए था सो थैंक यू एवरी एंड मस्ट ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल